हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी, जब भी दिवाली पे आप अपना घर को डेकोरेट करो तो पूरा होम टूर जब देना। तो ठीक है, मैं आप लोगों को होम टूर दे रही हूँ, लेकिन अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है और एक डेढ़ दिन में मैंने जो है ये सब कुछ किया है, तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। जैसे भी मुझसे हो पाया है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको छत दिखा रही हूँ। जो पुराने मेंबर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो न्यू जुड़ेंगे उन्हें नहीं पता होगा ये छत है। और ये जो रूम है अभी न्यू बड़ा है, बहुत छोटा था तो ये बड़ा है, और ये कंप्लीट नहीं हुआ है और काम चल रहा था तो मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाई। एंट्री आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, बट बहुत सालों की आदत यहीं पर, और कम्प्लीट भी नहीं हुआ था वो वाली एंट्री, तो यहाँ पर मैंने रंगोली बनाई। अब दिवाली थी तो रंगोली बनाना तो बनता था, और ये रंगोली मैं आपसे अपनी पिछली वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं और गेट को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे। पहले से थोड़ी सेटिंग चेंज हो गई है क्योंकि कुछ सामान जो है उस रूम में चला गया है, जो रूम बड़ा है ना उसमें। तो गेट खोलते ही आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो है दो साइड टेबल्स थी बेड के पास की, उनको मैंने यहाँ पे रखा है और कुछ कुशन वगैरह मैं रख देती हूँ, सेटी जैसा लुक हो जाता है, यहाँ पे भी दो लोग बैठ सकते हैं। ये जो अलमीरा है वो अभी न्यूली है, आप लोगों को पता ही है अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे इसकी जगह पे सॉफ्ट टॉयज का स्टैंड रहा करता था। तो दूर होके वापस से आपको मैं दिखा देती हूँ। और इस रूम की भी थोड़ी सी चेंज हुई है, इसमें काफ़ी स्पेस हो गया है क्योंकि सोफ़ा जो था यहाँ से दूसरे रूम में चला गया। तो ये है, यहाँ पर मैंने टीवी लगा रखा है, बेड के सामने ही टीवी लगा रखा है। अब यहाँ पर शेल्फ थी एक, और उस शेल्फ को हटवा के टीवी की जगह हमने बनवा दी थी 2-3 साल पहले। और अब ये बेडरूम है तो बेड यहाँ पे है। पहले ये एक ही रूम था और एक जो दूसरा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो एक सोफ़ा मैंने यहाँ पे रख रखा था सामने, जहाँ पे आपको सॉफ्ट टॉयज का स्टैंड और मुड्ढे दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे। लेकिन अब थोड़ा सा वो बढ़ गया है तो इसलिए वहाँ पे चला गया है। तो ये जो तीन शेल्फ है मैंने नहीं हटवाई थी, यहाँ पे अभी पुराना ही फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने रख रखी है क्योंकि काम कम्प्लीट थी अभी हुआ नहीं है, इसलिए जब नई चीज़ें निकालूंगी, मेकओवर करूंगी तब आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बेड के पीछे की वॉल को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है, वॉल स्टिकर है, और ये मैंने DIY किया था फोटो क्लिप लाइट का, जो कि सिर्फ 35 रुपये में हो गया था और मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। और ये न्यू बेडशीट लगाया है, छोटी दिवाली वाला दिन था ये, और न्यू कुशन है, कुशन कवर है। अब दिवाली पर सब लोग करते ही हैं थोड़ा बहुत, तो लेकिन मेरा जो है कम्प्लीट ही नहीं हुआ था काम हमारे पे, तो मैंने एक दिन में जितना हो पाया उतना कर लिया। यहाँ पे AC है और ये यहाँ पे सोफ़ा हुआ करता था, ये जो आप दो मुड्ढे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हुआ करता था मेरा बड़ा वाला सोफ़ा, जो कि अब उस रूम में जा चुका है क्योंकि वो थोड़ा बढ़ गया है। और ये जो सॉफ्ट टॉयज का स्टैंड देख रहे हैं, इसमें भी मैंने लाइटिंग लगा दी। ये दो मुड्ढे मैं 500 रुपये में लेके आई थी, आपको बताया था मैंने, और ये सॉफ्ट टॉयज का जो स्टैंड है उस पर मैंने लाइटिंग लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि एक कॉर्नर था तो इसकी जगह यहाँ पे बन गई, वरना अलमीरा की जगह पे ये सॉफ्ट टॉयज का स्टैंड था। ये गेट से दूसरे रूम में एंट्री होती है, लेकिन पहले आप ये पूरा रूम का घूम के लुक देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, जो पुराने मेंबर्स हैं उन्हें तो पता होगा क्या चेंज हुआ है ना, क्योंकि सोफ़ा वहाँ पे चला गया। अभी बहुत उठा पटक हुई थी, आप लोगों को पता है ना, कभी ड्रेसिंग टेबल मैंने यहाँ की, कभी वहाँ की, तो ऐसे करके। तो ये पूरा देख लीजिए घूम के, और इस तरीके से बेडरूम अब दिखाई देता है, और थोड़ा सा स्पेस हो गया है सोफ़ा वगैरह हटने की वजह से। ये है ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल मैंने यहीं पे वापस सेट कर दी है। क्यों? क्योंकि गेट के सामने हमारा तैयार होना मुझे सही नहीं लगा, और कांच भी जो है बेड के सामने नहीं होना चाहिए था। और ये यहाँ पे मुड्ढे रख दिए हैं दो, और ये एक गुलदस्ता रख दिया है, और बस ये जो पर्दा आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक खिड़की है बड़ी सी, वहाँ पर कूलर लग रहा है। जब AC नहीं चलाते तो कूलर चलाते, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने ये बंद कर दिया है क्योंकि हवा आती है। अब यहाँ से एंट्री करते हैं दूसरे रूम में। ये बिल्कुल छोटा सा रूम था, आप लोगों को पता होगा, है ना।
तो इसको बढ़ाया है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, चौड़ा हो गया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको कुछ भी नहीं किया, कलर वलर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें ना बाहर रखी रखे ख़राब हो रही थी। ये मेरे हस्बैंड है, आप लोगों को पता ही है, तो अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का। अब ये चीज़ें सारी ख़राब हो रही थी तो हमने धो के झाड़ के, एक बार दिवाली थी काम बंद हुआ था तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख ली थी, लेकिन जब ये कम्प्लीट होगा, कलर होगा, तो मैं इसको दूसरी तरीके से सेट कर दूँगी। और जब पूरा मेकओवर अगर फिर कभी किया तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो अभी तो सब कुछ पुरानी चीज़ें ही मैंने इसमें लगा ली है, पुराने ही सोफ़ा बैक है, पुराना ही कालीन बिछा दिया है। ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये है छोटा सा बाथरूम है ना, जिसे मैं यूज़ करती हूँ, ये पहले भी था अब भी है। और ये अलमारी नई बनी है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, जिस दिन कंप्लीट होगी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये बाथरूम है, यहाँ पे लेट बाथ दोनों ही है, मैं ऐसे ही यूज़ लेती हूँ, नहाती यहीं पे हूँ। और वापस चलते हैं हम और देखते हैं, ये हो गया था ड्राइंग रूम, ये हो गया बेडरूम, ठीक है। अब ये रूम बढ़ने से थोड़ा सा सहूलियत में भी हो जाएगी, क्योंकि सोफे वहाँ पे चले गए हैं, ठीक है। तो ये एंट्री यहाँ से भी हो सकती है, एंट्री वहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। तो घूम के आपने देख ही लिया ये दोनों रूम, तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। पुराने मेंबर्स जो हैं मेरी YouTube फैमिली के, उन्हें तो पता ही है, जब जैसे ही पर्दा खुलेगा तो फ्रिज दिखाई देगा। लेकिन जो अगर न्यू जुड़ेंगे तो बता दूँ, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड था तो फ्रिज यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि किचन में उतना स्पेस नहीं है कि मैं फ्रिज को रख सकूँ, तो यहाँ पे मैंने जो है फ्रिज रख रखा है। और यहाँ पे दो लेट बाथ है, अब लेट बाथ है तो बाथरूम के पास ही मैंने रख रखी है लॉन्ड्री बकेट, ताकि जो भी कपड़े हो नहाने, जब ये जो ईलू और मेरे हस्बैंड जो है, मेरी बेटी और हस्बैंड, यहाँ इसको यूज़ देते हैं, तो यहाँ पे कपड़े वपड़े डाल देते हैं मैले वाले, फिर मैं मशीन में डाल के हाथ से कैसे भी धो लेती हूँ। ये है वॉश बेसिन और कांच। और ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, वो मेरी बेटी के रूम को जाती हैं। इसके पीछे के स्पेस को मैंने ऐसे यूज़ दिया है कि मैंने शू रैक रख दी है, मैंने सिलेंडर जो एक्स्ट्रा होता है वो रख दिया, और मेरी सिलाई मशीन जो अभी मैंने न्यू ली थी वो रख दी है। तो हर छोटे मोटे स्पेस को मैं इस तरीके से यूज़ ले लेती हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं किचन। किचन का मेकओवर मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुके हैं, कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया, कुछ वॉल स्टिकर्स भी अपने हाथों से बनाए, लेकिन अभी सारा कुछ बिखर गया था वापस से, क्योंकि काम चल रहा था, धूल मिट्टी हो रही थी। तो जैसा भी मुझसे जो बन पाया ना, वैसा मैंने कर दिया। एक बार ये वाली जो स्टैंड है ना, मैंने यहाँ पे रख दी क्योंकि जगह नहीं बनी थी, लेकिन इसे मैं बाद में हटा दूंगी। तो ये सब मैंने हाथों से अपने किया है। ये जो काली पट्टी आपको दिखाई दे रही है, वो 12 रुपये की टेप है, ये कलर वलर नहीं है। तो बहुत कम दाम में मैंने अपने किचन का जो है मेकओवर किया था, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो किचन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने मेकओवर कर रखा है, पूरा घूम लेंगे। आरओ भी है, ये किचन का टूर में एक दो बार क्या दो तीन बार दे चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पे जब देखते हैं तो सामने ही किचन के पास ही एक बालकनी है। बालकनी को ऐसे यूज़ लिया है कि उसमें कूलर है और वॉशिंग मशीन भी मैंने वहाँ पर रख रखी, लेकिन अभी पूरी कलर वलर नहीं करवाया था, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ था ना। जिस दिन कलर वलर करवाऊंगी अगर, और इसका मेकओवर मैंने किया, सोच रही हूँ कूलर यहाँ से हटा दूँ सर्दियों में, तो जब मैंने अगर मेकओवर किया तो आप लोगों से शेयर करूँगी। अब अभी तो क्या है, पोचे वोचे जो भी होते हैं ना मैं लगाती हूँ, तो वो इधर सुखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप आती है। और ये है मेरे पुदीना का पौधा, और कुछ पौधे मैंने लगा रखे हैं अभी, और कुछ मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी बाहर ना थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और बंदर भी आ रहा था और तोड़ रहा था, इसलिए यहाँ से कुछ इस तरीके से बाहर का लुक रहता है। तो मैं किचन में काम करते करते और यहाँ पे देखती रहती हूँ। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड था और नल था, तो वॉशिंग मशीन को मैंने यहाँ पे सेट करवा रखा है, क्योंकि घर में बाथरूम इतने बड़े नहीं है कि वॉशिंग मशीन सेट हो, या और कोई जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है सेट करवा रखी है, ताकि घर में थोड़ा सा वो इतना मारामार ना हो कि बहुत सारा सामान हो जाए। तो वॉशिंग मशीन यहाँ हो गई, और ये पौधे जो है मैं एक बार यहाँ पे लगा दिए मैंने, क्योंकि ख़राब हो रहे थे, तो यहाँ पे मैं आराम से ध्यान दे पा रही हूँ उन पर। अभी मैं और भी पौधे लगाऊंगी, तो तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अब देख लेते हैं, वापस से घूम के चलते हैं, और बाकी का जो रूम बचा है, यानी कि ईलू का रूम, ईलू मेरी बेटी है, न्यू मेंबर्स अगर जुड़ते हैं तो उसके रूम को देख लेते हैं। सामने अब जाएंगे हम ईलू के रूम में, और साथ ही में है मंदिर, तो वो देख लेंगे। तो ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वो ईलू के रूम को जाती हैं। और
तो चलिए चलते हैं एलू के रूम की तरफ। और बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेट बाथ है, ये वॉश बेसिन है, कांच है और सीढ़ियों के नीचे के स्पेस को मैंने कैसे यूज़ दे रखा है। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं। ये है एलू का रूम और इस पर मैंने एलू के पसंद के वॉलपेपर या वॉल स्टिकर्स जो हैं वो लगा रखे हैं। थोड़े बहुत सामान यहाँ है, कुछ सामान जो है नीचे, ये एलू की छोटी चेयर्स और जो भी हैं वो नीचे, क्योंकि ये रूम भी बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से एलू के रूम को डेकोरेट कर दिया, उसी के पसंद के वॉल स्टिकर्स हैं इस बार। और ये मैंने DIY किया था क्योंकि ये वॉल स्टिकर थोड़ा छोटा आ गया था, तो मैंने ग्लिटर शीट में हार्ट शेप कट करके इस तरीके से इस दीवार को मैंने डेकोरेट कर दिया था। ये क्रिसमस ट्री को अभी हम क्रिसमस पे डेकोरेट करेंगे। और ये एलू के कुछ सॉफ्ट टॉयज हैं, कुछ टेबल्स हैं जिनको मैंने ऐसे कर दिया। ये न्यू बेड शीट बिछा दिया था, पर्दे अभी मैंने चेंज नहीं किए। यहीं पे एक स्टडी टेबल मैंने एलू की लगा दी है और स्टडी टेबल के पास ही एक डस्टबिन भी रख रखा है। मंदिर में भी एक डस्टबिन रख रखा है ताकि जो भी कोई कचरा पट्टी हो तो एलू इस पे डाल दे, ठीक है। ये अलमारी जो है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से कितने मिली, ये गिफ्ट है, एलू के 10th बर्थडे में बुआ और दादी ने मिलके दी थी। तो इसका प्राइस और कहाँ से ली ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि कई सवाल आते हैं इसको लेकर। तो यहाँ पे जब घूमते हैं तो ये गेट है, कांच का गेट है, ठीक है, स्लाइड वाला है और ये बिल्कुल खाली था। तो मैंने क्या किया कि एलू की जो फोटोग्राफ्स थी ना उनको लगाया सेलो टेप से, ठीक है, और फिर ये 35 रुपये वाली लाइट ही यहाँ पे चारों तरफ लगा दी। तो इस तरीके से हम अपनी वॉल को भी डेकोरेट कर सकते हैं, कई तरीके से हम बिल्कुल कम दाम में ये सब कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने छोटे से घर को डेकोरेट किया है, इसी तरीके से मैं रखती हूँ। वैसे मैं सिंपल रखती हूँ, दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट कर देते, अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कुछ इस तरीके से ही कर रखा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस था जिसको कि मैंने मंदिर बना रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक शेल्फ भी है कुछ, तो यहाँ पे एलू के गेम्स वगैरह कई तरीके के हैं वो भी मैंने रख रखे हैं। और मंदिर का भी जो सामान है वो शेल्फ में, जहाँ पे आपको पर्दा दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे। तो ये दिवाली वाले दिन मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था। बाकी जो घर जो मैंने शूट किया है वो छोटी दिवाली वाले दिन किया था, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा किया था। अभी इसका मेकओवर भी मुझे करना है, मैं सोचूं मंदिर लेके आऊं तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जब भी करूंगी। तो ये हो गया मेरी बेटी का रूम, ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से कर का, बहुत कम दाम में। वॉल स्टिकर्स वैसे ही बहुत कम दाम में आ जाते हैं ना। ये बोर्ड है जो कि एलू टीचर बन के खेलती रहती है और ये स्टडी टेबल है जिसके पास मैंने डस्टबिन लगा रखा है। तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा होम टूर, बस ये है मेरा छोटा सा घर, छोटा सा आशियाना। और वापस से नीचे चलते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और अभी तो मैंने यही कर रखा है, लेकिन अभी कुछ और मेरे माइंड में चल रहा है, एलू के रूम को अभी मेकओवर करना, और वो जो रूम कंप्लीट अगर हो जाएगा तो उसका या बालकनी का मेकओवर। तो जब भी मैं ये सब मेकओवर करूँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर से शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा घर और उसका डेकोरेशन जो है पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरी YouTube फैमिली में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाइएगा। बाय बाय।